हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और ये तो देखो, आप बड़े मैच्योर लोगों की बात कर रही हैं, बच्चे तो एक्चुअली मान लेते हैं। कभी आपको किसी बच्चे ने कहा है कि आंटी नागिन बनके बताओ ना? इनके बेटे ने बोला होगा मुझे नागिन बनके बताओ। मैंने आरफ को बिल्कुल नहीं दिखाया और मैं इंटेंट भी नहीं करती हूँ कि मैं अपने बेटे को दिखाऊंगी, लेकिन नॉट ओनली किड्स, इवन एडल्ट्स कभी कभी बोलते वो अपनी टंग निकाल के दिखाओ ना। हम लाइक वो वीएफएक्स होता है, वो रियल नहीं होता है। तो पीपल आर क्रेजी। मैं तो शो में डेंटिस्ट थी, तो मेरे पास एक्चुअली बच्चे आके बोले दीदी दीदी मेरे दांत में कीड़ा है। मैं लाइक निकाल दूँ हमारे से। मैं एक बात बोलूँ, सीरियल में ना जैसे भी किरदार नजर आते हो, लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन हम सब एक्टर्स के लिए ना ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। हम लोग जब एक शो के साथ जुड़ते हैं तो ये नहीं सोचते कि अब ये 6 महीने चलेगा या 1 साल बाद ना मैं छोड़ दूंगी। हम ना उसे शादी की तरह लेते हैं, जैसे शादी से आप बीच में नहीं निकल सकते हो या निकलना नहीं चाहोगे, आप अपना दिलो जान लगा देते हो उसे पूरा करने के लिए। मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, इतनी खूबसूरत बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। जीती रहो, खुश रहो। एक मिनट यार, जरूरी बात करने आया था मैं शर्मा तुम्हारे पास। घर में यार बर्फ होगी? बर्फ हाँ है। तो एक काम कर दो यार, एक ग्लास में 4 टुकड़े बर्फ के डालो, अच्छा सा नींबू पानी बना के मेरे लिए ले आप, गर्मी बहुत हो रही है यार। है कि नहीं? मेरे घर में डंडा भी है। अरे बताना चाहिए सर, मैं गिल्ली लेकर आता हूँ, गिल्ली डंडा खेल। एक काम कीजिए आप, मेरे ना पीना कोलाडा ले आइए। अभी तो आप नींबू पानी मांग रहे थे। जो भी मैं मांगूंगा, आप लाने तो वाले हैं नहीं, नहीं। कम से कम खूबसूरत लड़कियों के सामने मैं अपना स्टैंडर्ड तो हाई रखूं। वेरी गुड बनता है। कैसी हैं आप लोग? बहुत खूबसूरत लग रही है। अंकिता जी ठीक है एकदम? एकदम मस्त। अनीता हसन नंदानी जी, दोनों के बीच में बैठ के फसन नंदानी तो महसूस नहीं। हाय भैया, विवेक भैया इनको कह रहा हूँ मैं, हाय भैया। मिलते रहते हैं मुझे, मेरा हाय कहिएगा उन्हें जी। और उर्वशी जी, आपको तो देख के मैं कह सकता हूँ आपके घर में चैन नहीं है। नहीं। जितने चैन है सारी पहन के आ गए। मैं अपना तारुफ करा दूँ, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ, दामोदर जेठमलानी नाम है मेरा। हिम्मत है तो ये बताओ कौन से कलर की चप्पल पहनी है आपने? वाह, है आप में हिम्मत। थैंक यू। लेकिन यार मानना पड़ेगा, मैं यार बैठ जाऊं, मैं कह रहा था कि बैठ जाओ, उठाऊंगा मैं नहीं। मैं ये कह रहा था कि यार मानना पड़ेगा, आज आपके घर में 4 चांद लगे हैं। 4 क्यों 5, आपका भी तो है। ये देख रही हैं आप जी, मतलब आपके घर में 4 चांद के टुकड़े आए हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई ये चांद दे रहा है। देख रहे, इसे कहते हैं बीवी का खौफ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों में और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? आप लोग डेली सोप करती हैं, मैं डेली शैम्पू करता हूँ। तो शैम्पू फिसल के आंखों में नहीं पड़ता आपकी? ये माली को बुला के ये कटवाते क्यों नहीं आप बड़ी वाली कैंची से? यार देखो, डोंट कवर अ बुक बाय द जज। क्या? डोंट जज कवर बुक बाय द, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, देन डोंट जज ना यार। अंकिता जी और बाकी बढ़िया सब? एकदम। मैंने देखा बाहर यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी है आपकी है जी, तो यहाँ से जाते हुए आप मुझे छोड़ देंगी? बिल्कुल। क्यों छोड़ेंगी आपको? तो मुझे रख के भी क्या करेंगी? मैं आपको सच बताऊं, ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे ये लोग ना मुझे कभी लिफ्ट नहीं देते। कभी लिफ्ट नहीं देते, और यहाँ तक कि मैं जब अपनी बिल्डिंग में जाता हूँ, मेरे बिल्डिंग वाले भी मुझे लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने देते।
कहते हैं कि सीढ़ियां तुम्हारे लिए ही तो बनी है, रेंगते हुए जाओ। पूरी बात बताओ ना फिर। पिछली बार लिफ्ट में चढ़े, इन्होंने दूसरे माले पे जाना था, लिफ्ट सदमे में चली गई। शर्मा जी क्या हुआ? कुछ छुपा क्या? आपकी बातें। मुझे पता है। बात भी कोई बहुत लंबी हो गई नहीं, छोटी मोटी चीज तो चुभ नहीं सकती। शर्मा जी मुझे पता है ये ऐसी चुभने वाली बातें क्यों करते हैं। क्यों? इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हैंडसम आदमी आके इन्हीं के घर में आके इनकी प्यारी खूबसूरत गेस्ट से बातें करे। He gets jealous. Why bro? Why? तो सिर्फ इसलिए, you are a married man. तो आप भी तो शादीशुदा है? लेकिन लगता नहीं हूँ। होने में और लगने में फर्क होता है। देखिए अब मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ में अगर एक गिटार आ जाए, कंधे पे मैं एक बैग लटका लूं और मैं ऐसे कॉलेज चला जाऊं, सेम शाहरुख खान, सेम टू सेम, बिल्कुल शाहरुख खान। वो गिटार भी है, बैग भी पड़ा हुआ पीछे, बन के दिखाओ थोड़ा शाहरुख खान। चलो नहीं फिर उसके लिए फिर वो जैकेट वैकेट भी चाहिए ना। हाँ, वो भी मिल जाएगी, जैकेट है ना, कितने लोगों ने पहनी, जैकेट मिल जाएगी आपको। चल एक बात बताइए पहले तो, ये प्रोडक्शन हाउस आपका सलमान खान का है, सामान सारा शाहरुख खान का रख के घूम रहे हैं। ये बात आपके प्रोड्यूसर साहब को पता है? मैं अगर चाहता ना इस बात के लिए आप पर केस भी कर सकता था, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं आपको। चाहता तो वैसे केस की बात निकली, केस की बात निकली तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक ना थोड़े टाइम पहले एक आपके वो डेली सोप के कोई कलाकार थे, उनका चप्पल चोरी का केस आया था मेरे पास। लगातार 6 महीने मैं वो केस लड़ा। इतनी सी बात को 6 महीने तक कौन खींचता है भाई? इनकी सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाता है ना, उस बात को 10 से 12 एपिसोड खींच दिए हैं। वैसे देखिए वो चप्पल तो मिली नहीं जी। लेकिन इस केस को 6 महीने लड़ने के लिए जो पैसे मुझे मिले ना, 6 जोड़ी जूते खरीद लिए मैंने। लेकिन पहनते तो आप फिर भी चप्पल ही हैं। ये चप्पल नहीं है, नहीं ये एक्चुअली जूता ही है। मैं क्या है, गर्मी इतनी है ना तो इसकी दीवारें और छत मैंने हटवा दी है। इट्स ए ओपन शू कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आया है। समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, होता है। पर मैंने देखा आप लोग की जो सीरियल्स होते हैं डेली सोप वाले, उसमें काफी अपने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होती रहती है ना, चकल बदल सकते हैं ये वो। मुझे अच्छे डॉक्टर का नंबर दीजिए ना, प्लास्टिक सर्जन मुझे भी करवानी है। आपको क्यों करवानी है यार? ये एक राजेश नहीं है यहाँ पे, मोहल्ले का राजेश पीछे रहता है, वो हमेशा मुझे मोटा मोटा कहता रहता है। मैं क्या करूंगा, प्लास्टिक सर्जरी करा के राजेश का चेहरा यहाँ लगवा लूंगा, फिर सब उसको मोटा कहेंगे, मैं बच गया। वाह वकील साहब, ये फालतू बातों का आपने कोर्स किया है या बचपन से हैं आप ऐसे? बचपन से कह सकते हैं। मैं वैसे बात खत्म नहीं हुई है, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी दिव्यांका जी। जी क्या हुआ, नाभी फंस गई? नहीं नहीं दिव्यांका जी, एक रिक्वेस्ट थी मेरी, इफ यू डोंट माइंड। क्या है, मेरा एक केस है, जरा सा फंस रहा है, तो मैं बस चाहता था कि आप अगर एक बार कोर्ट में आके गवाही दे दें। आपको जज के सामने सिर्फ इतना कहना है कि हाँ हाँ मैं दामोदर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। इससे क्या होगा? इससे मेरा तलाक होगा। क्या है, मेरी जो वाइफ है ना वो मुझे सूट हो नहीं रही है। सूट नहीं हो रही मुझे, सच में मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जब मैंने देखा है आपके सीरियल्स में, आप लोग सुबह सुबह जब जागते हो कितनी आप खूबसूरत से लगते हो। आप एक बार मेरे घर पे आके देखिए, सुबह सुबह जब वो जागती है उसमें और मुझ में आप पहचान नहीं पाएंगे दोनों में पति कौन है। इट्स अ मिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री, पर झूठ तो इतना बोलती है मुझे। उस दिन मुझे कह के गई कि मैं 2 दिन के लिए मैके जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ गई और फिर मुझसे पूछ रही है कि हमारे घर में ये सूजी कौन है। झूठ उसने बोला यार, वो मैं के गई है 2 दिन का बोल के और वापस आ गई। देखिए झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे तो तलाक चाहिए। वकील साहब आप खुद जाएंगे या व्हीकल टो करने वाली गाड़ी मंगवाऊं मैं? मैं जाता हूँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैं
सब्जी लेने निकला अपनी बाइक पे, ठीक है, मुझे अचानक से कुछ याद आया, मैंने लिया यू टर्न, जैसे ही यू टर्न लिया सामने आ गया एक बड़ा सा ट्रक, फिर आगे आगे का जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। ये बड़ी नाइस, ये क्या बात हुई, इनसे पूछिए ये क्या बात हुई, आगे देखिए अगला, ऐसा ही करती हैं ये सब। कहानी एकदम रोमांचक पॉइंट पे लेकर आती है, वहां पे कहती है कि अगले एपिसोड में बताएंगे। यार आदमी पूरी रात सो नहीं पाता है कि चाय में जहर डाला किसने। अगले एपिसोड में बताती हूँ, वो जहर था ही नहीं, वो तो शक्कर थी। ऐसा करती हैं ये। मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं अगले एपिसोड में आपको देखना है कि ट्रक और मेरे बीच क्या हुआ। देखिएगा, शर्मा जी को तो आप जानती हैं, आपने इनको देखा है, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये, एंकरिंग करते हैं, एक्टिंग करते हुए देखा है, आपने सिंगिंग करते हुए देखा है, कॉमेडी करते हुए देखा है, इनका एक और पहलू दिखाऊं मैं आपको, बताइए। एक जेलसी वाला आपको पहलू दिखाता हूँ इनका। जब हम सब मिलकर यहाँ डांस करेंगे ना, आप चेहरा देखिएगा। देखिए मैं बोलने को तैयार हूँ, मैं दामोदर से बहुत प्यार करती हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.